मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर बधाई देने का क्रम लगातार चलता रहा। पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीएम हाउस जाकर बधाई दी। इस दौरान सीएम ने गुरचरण सिंह होरा का हालचाल पूछा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 61 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई संदेश भेजा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुबह फोन पर मुख्यमंत्री से बात की। सीएम हाउस में भी बधाई देने वालों का क्रम चलता रहा। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरचरण सिंह होरा और पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा ने भी सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाइयां शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरचरण सिंह होरा और गुरमुख सिंह होरा को हालचाल पूछते हुए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गरीब मजदूर किसानों के साथ खेलों के भी मसीहा है। वे मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। उनके कार्यकाल में राज्य के हर वर्ग की चहुमुखी विकास होने की बातें महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने कही है। देखिए, गरीब मजदूर के साथी, किसानों के मसीहा और खेलों के मसीहा माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का आज जन्म उत्सव है और पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य उनके नेतृत्व में इसी प्रकार से प्रगति करता रहे, ऐसी विश्वास जगाता हूं। जहां तक खेल खिलाड़ी का प्रश्न है, माननीय भूपेश बघेल जी ने अनेक सौगातें दी हैं और आगे भी खेलों का विकास निरंतर होते रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर के एक दिन पहले होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में आयोजित जी न्यूज के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ कुछ ही समय में खेलगढ़ के रूप में जाना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।